सर आप अपना हाथ भी रखिए। हाँ हाँ साइड हाँ काट लीजिए काट लीजिए। नो कंग्रेचुलेशन वेलकम। हाँ एक मिनट तेरा एक मिनट आराम से जो आराम से हाँ ये आइए हम अभी ये सर ये भी लेटर हो सर ये पेंटिंग के सामने अभी यहाँ पर सर भूषण सर Thank you.
आप भी खड़े हो आदिल बुम हाँ यही कर लेना पहले सबको नए साल की शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर नए साल की शुरुआत एक पेंटिंग एग्जीबिशन कला को प्रोत्साहन देने से शुरू हो रही है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं ये सेकेंड जनवरी को इस पेंटिंग एग्जीबिशन का मैं ओपनिंग करूं तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स को मुझे इधर उधर करना पड़ा पर मैं चाहता था कि नए साल की शुरुआत कला आर्ट से ही हो तो पेंटिंग एक ऐसी कला है जो मैं सिर्फ एडमायर कर सकता हूं सराह सकता हूं देख सकता हूं अप्रिशिएट कर सकता हूं कलाकार हैं फिल्मों में सलमान खान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है सोनाक्षी मैंने सुना बहुत अच्छी पेंटिंग करती है और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पेंटिंग करते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं भी पेंटिंग कर सकता पर मैं नहीं कर पा इतनी सुंदर पेंटिंग्स नीलम चोपड़ा प्रसाद इनकी ये देखकर आज सुबह बहुत अच्छा लगा बहुत आनंद आया ढेरों शुभकामनाएं और बढ़िया काम करें और सक्सेस हासिल करें ऐसी मेरी शुभकामनाएं है थैंक यू वेरी मच अरे नहीं इस लायक नहीं हूं मैं हाँ भाई ट्राई तो रहिए आप रहिए जी इधर ही रहिए उनका इमोशनल हो गई जी बहुत बार कोशिश की मैंने एंड पेंटिंग करने की कोशिश की ड्राइंग की भी कोशिश की यू नो प्राइमरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग की क्लासेस भी थी हमारी जो कंपलसरी थी कि आपको करना होता है बहुत कोशिश की कोशिश करने के बाद पहले टीचर को समझ में आ गया बाद में मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकता मेरे टीचर ने कहा कि आप एक्टिंग की तरफ ही ज्यादा ध्यान दीजिए ये जाने दीजिए जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी गौतम बुद्धा जी की पेंटिंग्स इन डिफरेंट दिस थिंग नेचर फ्लावर्स ऑफ कोर्स यू नो जो पियानो के साथ तस्वीर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर सो देर इज अ वेरी वेरी सबसे बड़ी चीज इन पेंटिंग्स की है बहुत वाइब्रेंट है बहुत यू नो कलरफुल एनर्जी है इनके अंदर और प्लीजिंग है मतलब आप अगर अपने घर में लगी हो उठने देखें तो आपको एक बड़ी प्लेजेंट कलरफुल एनर्जी की फीलिंग आती है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन पेंटिंग्स में इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध जी की जो अलग अलग तरह की पेंटिंग है और जैसे मड का घर भी है फ्लावर्स भी हैं पीकॉक भी है पियानो की तस्वीर भी है राधा कृष्ण की तस्वीर भी है तो अलग अलग तरह की जो कला की इन्होंने अभिव्यक्ति की है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स बट द एनर्जी एंड द कलर्स एंड वाइब्रेंट फीलिंग जो है वो बहुत ही यू नो अप्रिशिएटिंग है थैंक यू सो मच जी काम होना जाता है कितना अच्छा भी फील करते हैं कि समझ इस कॉलिंग फॉर दैट एंड
जी देखिए, मैं कलाकार हूं, कला की आराधना करता हूं, कला का सम्मान करता हूं, दिल से करता हूं। और जब भी कोई कला से संबंधित कोई प्रयास किया जाता है, मैं हर तरह से कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूं, उसमें पार्टिसिपेट करूं। और ये नए साल में इस वाइब्रेंट एनर्जी वाली पेंटिंग्स कला को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास था, उसमें मैंने क्या कहते हैं कि कमिट किया। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां पर एक ऐसी एग्जीबिशन को, जिसमें कलाकार इतने इमोशनल भी हैं, रोने भी लगते हैं उनकी बेटी जो है और कलाकार ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपने कंट्रोल में है इमोशंस, इस सब के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब आप कलाकारों से पूछें और उनके बच्चों। मैं उनसे उनसे बात करूं। व्हाट आर योर बेस्ट विशेस टू कलाकारों के लिए? आपको क्या शुभकामनाएं दोगे इस अवसर पर? इस अवसर पर मैं न सिर्फ इन दोनों कलाकारों को शुभकामनाएं दूंगा, इनके परिवार को भी, इससे कलाकार कुछ क्रिएट कर रहा होता है तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। उस समय फैमिली का पार्टिसिपेशन चाहे साइलेंट हो लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तो ही चीज निकल कर आती है। तो उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई एंड विशिंग देम मोर सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू। आपका बेटा भी एनिमेशन है, तो आपका क्रिएटिविटी इसमें कितना रुचि है? ऐसा है जी, मैं तो चाहता हूँ कि जो जो मैं नहीं कर सकता, मेरा बेटा वो सब कर दिखाए, क्योंकि ना तो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सराह सकता हूँ, ना मैं दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं आर्ट के जिनमें मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं तो यही कि मेरा बेटा संजय जिन जिन क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में मैं कमज़ोर हूँ, उन्हें और अच्छी तरह से कर दिखाए कि वी आर अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट। चलिए तो मैं अपनी पिक्चर के बारे में बता देता हूँ, तो एक बार कलाकार उधर हो जाए, आप भी उधर हो जाइए जी, तो फिर ये दूसरी तरह से यूज कर सकते हैं उसको। और आप भगवान की कृपा से पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मेरी फिल्म बैड मैन, जो कि इंडिया की फर्स्ट मॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, इंडिया की फर्स्ट ओरिजिनल फीचर फिल्म फॉर द डिजिटल वेब ऑडियंस, इंडिया की पहली फिल्म जो किसी खलनायक के एक पॉपुलर कैरेक्टर के नाम से बनी है, बैडमैन पिक्चर का नाम, उसी खलनायक को उस फिल्म में हीरो लिया गया है। एक ऐसा स्टूडियो वायाकॉम 18 और वूट, जो अपनी प्रोडक्ट्स न सिर्फ अच्छी तरह से बनाते हैं बल्कि बहुत प्राउडली उन्हें लोगों तक पहुँचाते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर, डायरेक्टर शौमिक सेन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग फिल्म बनाई। फिल्म में राइटर अनुभव पाल, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, राइटर भी हैं। विशाल शेखर का म्यूजिक। फिल्म में बहुत सारे कलाकार, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, फारा खान, मनीषा कोराला, महेश भट्ट, सुजीत सरकार, सुजॉय घोष, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म में अभिनय किया। तो मैं पिछले साल में हुए इस प्रयास से लेकर बहुत खुश हूँ। फिल्म बैड मैन सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। फिल्म बैड मैन इस साल की वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म की ओपनिंग फिल्म थी, जहाँ पर कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर, कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर, कनाडा की जस्टिस मिनिस्टर, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान।